हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ एक प्रॉपर संडे राइड में, और एक नॉर्मल संडे राइड नहीं होने वाला है, काफ़ी स्पेशल संडे राइड, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस का, लगभग 253 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से वो डेस्टिनेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूँ घाटशिला। घाटशिला में एक गुरुदी डैम है, और वहाँ पे एक झील भी है और एक नदी भी है, तो वो भी पूरा एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त गोपाल भी जा रहा है। काफ़ी टाइम से ये भी भाई बोल रहा था, भाई नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर राइड पे जाना हो तो भाई मुझे ज़रूर बोलना। इवन तो जब से मैं बाइक खरीदा हूँ तब से भाई बोल रहे कि भाई नेक्स्ट टाइम कब जाओगे राइड में। तो आज अचानक प्लान बना कल रात को, तो फिर चल आज निकल रहे सुबह सुबह। अभी बज रहे सुबह कितने बजे भाई? 5:45 अभी टाइम हो रहा है, और यहाँ से डिस्टेंस लगभग 5 से 6 घंटा टाइम दिखा रहा है गूगल मैप। आई होप इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगे, क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है, तो रास्ते में कहीं रुक के फिर नाश्ता वास्ता भी किया जाएगा। फिलहाल अभी चलते हैं और सीधा मिलते हैं आप लोगों के साथ रोड में। तो ये लो, हम लोग आ गए अपना मेन रोड घोला बस स्टैंड, इसी के अंदर मैं रहता हूँ। और हम लोग आपस में अभी बात कर रहे थे, पता है क्या, मैं पूछ रहा था भाई से, भाई कितना बजे रात को सोया? बोला भाई 12 बजे, तो मैं सो गया था, लेकिन 3 बजे फिर जग गया, और मैं 2:30 बजे सोया, और फिर 4 बजे में मेरा नींद टूट गया। उसी 2:30 घंटा मैं भी सोया, वो भी सोया। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम संडे राइड पे भी जा रहा हूँ, तो मैं भी थोड़ा एक्साइटेड था, और भाई भी फर्स्ट टाइम राइड पे निकल रहा है, तो भाई भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इस वजह से नींद ठीक से हुआ नहीं। बट कोई बात नहीं, चलो, मौसम बहुत अच्छा है, अभी ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, जद धूप भी उतना नहीं खिला हुआ है, बादल भी किया हुआ है, तो वेदर तो काफ़ी अच्छा है, राइडिंग के लिए एक परफेक्ट वेदर कहा जा सकता है, बस बारिश ना हो, क्योंकि हम लोगों ने रेनकोट नहीं लिया है। तो अभी हम लोग दोस्तों बाली ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, ये दक्षिणेश्वर ब्रिज भी बहुत कोई कहते हैं, क्योंकि नदी की इस साइड दक्षिणेश्वर और उस साइड बाली पड़ता है। यहाँ पर भी कुछ राइडर भाई खड़े थे राइड पे निकलने के लिए, पूरा फुल गेटअप के साथ, राइडिंग जैकेट गियर्स वगैरह सब कुछ पहना, बट मेरे पास अभी सब कुछ है नहीं, फिलहाल ये क्लब पहन के अभी तक निकला है। बट मैं बहुत जल्द अपना राइडिंग गियर खरीदने वाला हूँ, जैकेट एंड शूज एंड ऑल प्रोटेक्शन। लगता है इधर बारिश हुई है, रास्ता पूरा भीगा भीगा है, आई होप आगे बारिश ना हो बस, वरना फिर जाने में बहुत लेट लग जाएगा अगर बारिश होता रहा तो। अभी तो वेदर पूरा क्लियर दिख रहा है, बारिश का तो कोई नामो निशान नहीं है, बट कुछ कहा नहीं जा सकता कब कहाँ किधर से आ जाए। और आप लोगों को मैं बताया नहीं, एक्चुअली घाटशिला है झारखंड में। जी हाँ दोस्तों, ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल जस्ट क्रॉस करते ही आपका झारखंड में ये घाटशिला है, वहीं पे गुरुदी बोल के एक डैम है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं, खड़गपुर होते हुए जाएंगे। यहाँ से खड़गपुर 116 किलोमीटर है यहाँ से खड़गपुर, चलते हैं फिर। अभी फिलहाल पेट्रोल भराना है, तुलागढ़ के बाद कहीं पर रुकेंगे, पेट्रोल फिलअप करेंगे। चलो दोस्तों, ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, सीधा सीधा सिंपल सा रोड है, एकदम मक्खन वाला रोड है, तो सीधा धूलागढ़ में मिलते हैं किसी पेट्रोल पंप पे, ओके। एक्चुअली बारिश हुआ ना, तो पानी के जो छींटे थे वो हेलमेट कैमरा में आके अटक गए, इसी वजह से पूरा गंदा हो गया। फूल हाँ, मशीन तो बहुत पुराना है। अरे बस बस ऊपर आ जाए दोस्तों, पेट्रोल फुल करा लिया, देख सकते हो एकदम फुल टैंक है। अभी 450 किलोमीटर मुझे कोई टेंशन नहीं है, इजीली चल जाएंगे, तो आप आराम से जा सकते हैं नॉनस्टॉप। और अभी सीधा आप लोगों से मिलूंगा मैं कोलाघाट में, कोलाघाट क्रॉस करके चाय वाय पिया जाएगा। अभी फिलहाल धूलागढ़ मैं क्रॉस किया हूँ, इसके बाद सीधा कोलाघाट में रुकेंगे। पता नहीं यहाँ पे इतना जाम क्यों लग गया अचानक, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा आई थिंक। तो गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, अरे बाप रे बाप, मछली का ट्रक था पूरा उलट गया भाई साहब। और देख रहे दोस्तों, आगे जितना जा रहा हूँ और भी ज़्यादा बारिश का चांस मुझे दिख रहा है, पता नहीं कोलाघाट तक चलते हैं फिर देखते हैं क्या किया जाएगा। अगर बारिश ना हुआ, ऐसा ही अगर वेदर रहा, फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, चल जाए, अदरवाइज फिर कोलाघाट से यू टर्न लेना पड़ेगा दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस बारिश में तो जाना बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाएगा।
घाट भी क्रॉस कर चुके हैं। और देखो दोस्तों 10 किलोमीटर पीछे बारिश हो रही थी और इधर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। रास्ता देखो बिल्कुल सूखी हुई रास्ता है। तो यहाँ पे आसपास कई सारे ढाबे हैं, कई सारे होटल हैं, बट यहाँ पे मुझे रुकने का मन नहीं कर रहा क्योंकि यार बारिश के वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। धीरे धीरे चला के आया हम लोग और यहाँ पे अगर फिर से रुक गया तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी सोच रहा हूँ मैं कि जब बारिश नहीं हो रही है तो टान के निकल जाते हैं जितना दूर जा सकते हैं। अरे भाई इंडिकेटर तो दो भाई, देखो यार इंडिकेटर तक नहीं दे रहा है। तो लेफ्ट साइड चल जाएगा दीघा हल्दिया की तरफ, हमें जाना सीधा खड़गपुर की तरफ। यहाँ से लेफ्ट लेने से दीघा जा सकते हैं। जाएंगे एक दिन बाइक से भी दीघा करेंगे बहुत जल्द। तो यहाँ पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मुझे दिखा, जॉय गुरु होटल बोल के, डिलीशियस फूड। यहाँ पे रुका जाए क्या भाई? यहाँ पे नाश्ता वास्ता करके फिर निकलते हैं। अच्छा एक रेस्टोरेंट दिखा है तो यहीं पे रुकते हैं। फैमिली होटल है, जॉय गुरु होटल, देखते हैं खाना कैसा है यहाँ का। ओ भाई चक्का स्किड कर रहा है बहुत। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 10:30 और अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया इस रेस्टोरेंट से। जॉय गुरु होटल है, जॉय गुरु ना, हाँ जॉय गुरु फैमिली होटल है। काफ़ी अच्छा खाना था। हम लोगों ने एक चना मसाला लिया और दो दो करके पराठा, टोटल 250 रुपीज़ हुआ। तो खाना काफ़ी अच्छा था, टेस्टी लगा, पेट भी काफ़ी भर गया। और यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास और डिस्टेंस बचा हुआ है, तो अब कहीं पर भी नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट घाटशिला बुरुदी डैम के पास ही रुकेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे खड़ा होके दो चार फोटो हम लोगों ने क्लिक किया, सच में बहुत ही खूबसूरत लोकेशन था ये, सॉरी है अभी भी है, सच में है, काफ़ी अच्छा है लोकेशन ये फ़ोटो क्लिक करने के लिए, एकदम बेस्ट लोकेशन कहते हैं ना, एकदम नेचर के एकदम गोद में। अब फोटो क्लिक करें देख रहे, एकदम घना सा जंगल है पूरा, दोनों साइड में एकदम घना जंगल है। और रोड भी देखो कितना अच्छा रोड है, फोटो तो ज़बरदस्त आता है यहाँ पर। तो दोस्तों फाइनली 260 किलोमीटर पूरा टोटल डिस्टेंस था मेरा घर से और मैं बुरुदी डैम पहुंच गया। देख सकते ये पहाड़ है जस्ट इसी के सामने, ये डैम है। बस कुछ ही पल में वो डैम का नज़ारा आप लोगों को देखने मिलेगा और मुझे भी देखने को मिलेगा। ओह नाइस, पानी थोड़ा कम है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है भाई नज़ारा यहाँ से। तो ये है बुरुदी डैम, देख पा रहे होंगे आप लोग क्या ज़बरदस्त है जब पूरा भर जाता होगा पूरा। अभी तो शायद बरसात का शुरुआत है लेकिन जब पूरा भर जाता होगा तो इधर का पूरा पानी आ जाता होगा यहाँ तक। ओ यार पहाड़ों के गोद में एक छोटा सा झील है, एक्चुअली एक तरह सा झील कह सकते हैं, डैम नहीं है। मुझे तो कहीं का डैम का कोई गेट तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन हाँ एक झील टाइप का है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन सच में आप लोग देख ही पा रहे पहाड़ों के एकदम गोद में बसा एक छोटा सा झील, छोटा सा नहीं बहुत ही बड़ा सा झील, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्या कॉम्बिनेशन है भाई, तू पहले देख भाई, नीला सा आसमान, वाइट कलर का पूरा बादल है, ग्रीन कलर का पूरा पहाड़ है और फिर सामने ये झील, ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा कहीं पे? तो दोस्तों कुछ ऐसा है यहाँ से व्यू बुरुदी डैम, एक्चुअली एक बुरुदी लेक भी कहते हैं बहुत लोग इसे, बुरुदी झील। ओ भाई क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। क्या नज़ारा यार सच में यार। क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा है भाई? बहुत ही अच्छा भाई, बहुत ज़बरदस्त फील। कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोलना चाहेगा भाई अपने मन से कुछ अगर तेरा निकल रहा हो तो? मन से हाँ भाई बोलो। हाँ तू बंगला में हिंदी में जिसमें तेरा सूटेबल लगे बोल। भाई मन करे जाना जाना वीडियोटा देखते तारा एक बार घूरे यार, पहले बुझ जाबे केमन लागबे जायगाटा। सत्य भाई 100% सुपर। सच बात बताऊं तो भाई मैंने सिर्फ फोटो में ही देखा था, इसकी खूबसूरती आज अपने आंखों से भी देख रहा हूँ। सच में यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार।
मैं इससे पहले माइथन डैम भी गया था, वो भी बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा है, पहाड़ों के बिल्कुल गोद में एक बड़ा सा डैम है। फिलहाल ये डैम ही एक तरह से झील कह सकते हो इसको, इसको लोग बुरुदरी डैम पता नहीं क्यों कहते हैं मालूम नहीं, बट ये मुझे झील टाइप का लग रहा है। यहाँ पे कोई डैम का तो ऐसा कोई गेट वगैरह बना नहीं है, लेकिन हाँ कह सकती है बहुत ही बड़ा झील, आप लोग देख ही पा रहे यार, बहुत ही बड़ा झील है। वाओ भाई नहाने, हम तो बोले थे भाई पैंट वेंट लेके आता था, डुबकी लगा लेते हैं पे यार। एक्चुअली दोस्तों पता है हम सोचे भी थे कि ये हाफ पैंट लेके आते और एक गमछा लेके आते भाई। ये भाई लेके भी आता, फिर सुबह को मेरा ना मूड चेंज हो गया, क्योंकि बारिश बारिश का मौसम था, बोले फिर क्या नहा यार, रहना दो यार, झमेला हो जाएगा, फिर हम मना कर देना, तो मैं भी हाफ पैंट लेके आने वाला था। सच में नहाने का मन कर रहा है, क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा है, धूप भी किया और नहाने का भाई बहुत मन कर रहा था, काश लेके आते तो भाई नहा लेते। जंगलों के बीचों बीच होके गुजर रहा हूँ मैं अभी। फिलहाल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक कौन सा झरना भाई, झरना का नाम क्या था? हाँ कुछ गिरी बोल के नाम था, भूल गया भाई। तो उसी झरना के पास हम लोग अभी जा रहे हैं, तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओ भाई बहुत ज़्यादा रिक्सी हो जाएगा भाई, टर्निंग में देखो कितना ज़्यादा ऑफ रोड मिल गया, पूरा रास्ता टूटा हुआ है। देख रहे भाई, भाई इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, पीछे ही पहाड़ है, आगे ही पहाड़ है, एकदम बीच में रहता हम लोग। ओ भाई दिस प्लेस इज अनएक्सपेक्टेड, आप उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे कि हर एक मोड़ पे एक सरप्राइज मिला है, कि ऐसा भी देखने को मिलेगा मुझे, पूरा एक प्रॉपर खाई है दोस्त। भाई देख लो भाई, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ नीचे कितना तक जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। भाई देख रहे भाई, बहुत गहरा है, पूरा एकदम खाई है, देख रहे हो यार दोनों साइड से। भाई 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 दोस्तों हम लोग अभी जा रहे हैं धारागिरी वाटरफॉल देखने, और काफ़ी रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया, मैंने फ़ोन से रिकॉर्डिंग की आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन अभी मैं हेलमेट लगा लिया हूँ क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, भाई दो दो हेलमेट पीछे लेके बैठा हुआ था तो उसको पकड़ने में दिक्कत हो रहा है, और आप लोग देख ही पा रहे कितना खतरनाक रास्ता है, मतलब रोड तो है ही नहीं आप लोग अगर कहूँ तो। ओ भाई साहब, भाई आराम से भाई, हाँ उठ जा भाई, उठ जा, उठ जा भाई, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, गिरना मत, गिरना मत, गिरना मत, यस 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 यस, ओ भाई उठ गया भाई, यस लद्दाख जा सकते इस बाइक से, लद्दाख जा सकते हैं, अगर इतना बड़ा ऑफ रोड अगर मैं निकाल लिया वो भी पिलियन को बैठा के, तो मैं लद्दाख जा सकता हूँ भाई, खतरनाक रोड था भाई। कैमरा में शायद आप लोग उतना समझ में नहीं आ रहा, हो सकता आपको लग रहा है कि मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत ही मतलब खतरनाक था वो पैच, बहुत ही खतरनाक, एक तो चढ़ाई था सीधा, ऊपर से पूरा एकदम ऑफ रोड था, और ये रास्ता देख लो यार, पूरा चक्का यहाँ पे स्किड करने का बहुत चांस रहता है। चढ़ जा भाई, चढ़ जा, चढ़ जा भाई साहब, बस स्किड मत कर देना भाई, अरे भाई 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 बेइज्जती मत करा दो भाई, अभी लद्दाख के बारे में बात कर रहा था। हाँ भाई निकल गया, भाई निकल गया, ओ भाई एडवेंचर हो गया भाई, खतरनाक वाला एडवेंचर हो रहा है, ओ मैंने उम्मीद नहीं किया था इतना खतरनाक एडवेंचर भी हो जाएगा, ओ ये तो और ज़्यादा डेंजरस हो जा रहा है। उतरना पड़ेगा भाई? नहीं नहीं भाई, तुम्हारा भाई प्रो राइडर है भाई, उतरना नहीं होगा, प्रो राइडर है भाई, कोई छपरी राइडर थोड़ा है ना अपन। ओ भाई क्या नज़ारा है भाई, यहाँ से यहीं पे बाइक पार्क करके जाना पड़ेगा हम लोग को भी। चल भाई उतर भाई, तो यहाँ से ट्रैकिंग शुरू हो जाता है स्पेशली, अब यहाँ से हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा मालूम नहीं, लेकिन अब पैदल ही जाना पड़ेगा, बहुत बाइक चला लिया, पूरा फुल एडवेंचर टाइप का हो गया भाई यहाँ पे आके। चलो अब हम चलते हैं, देख लो दोस्तों एकदम पतला सा रोड रास्ता है, मतलब
और यहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। सच में अब बहुत ही खूबसूरत जगह लग रहा है मुझे, और यहीं से मुझे झरना का आवाज़ भी आ रहा है। और देखो दोस्तों, वाह यार क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा है। और देखो जो झरना का पानी यहाँ से बह रहा है, अनबिलीवेबल दोस्तों। सच में यार बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ओह फाइनली पहुँच गया मंजिल तक। सच बोल तो दोस्तों, एक टाइम सोच रहा था कि भाई बारिश में जा रहा हूँ, लॉस ना हो जाए, क्योंकि बारिश होगा फिर तो कुछ देख नहीं पाएंगे, भीग भीग के फ़ायदा नहीं है देखने का। लेकिन यहाँ आने के बाद पूरा पैसा वसूल हो गया। 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा बाइक चला के आने के बाद इस जगह को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई पैसा वसूल हो गया। अगर आप लोग कभी आए नहीं तो प्लीज़ यार एक बार ज़रूर आना, एक बार ज़रूर विजिट करना, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। सिर्फ कोलकाता से 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक बार ज़रूर आना बनता भाई। चाहे आप ट्रेन से आ सकते हैं, गाड़ी से आ सकते हैं, या फिर बाइक से आ सकते हैं, जैसे भी आओ, लेकिन आओ एक बार जरूर देखते जाना भाई। सच में यार बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। लगभग एक घंटे से ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और सच में अभी भी नहीं मन कर रहा है कि यहाँ से जाने का, इतना खूबसूरत जगह। क्यों भाई, इतना खूबसूरत जगह है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, वापस फिर से आने का जरूर मन करेगा। आप लोग भी एक बार जरूर आना दोस्तों। तो चलिए अभी सीधा घर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे मिले, सब हम लोग से पूछ रहे थे भाई कुछ दो खाने के लिए, तो हमारे पास तो खाने के लिए कुछ था नहीं, तो थोड़ा पैसे वैसे दे दिए इन लोगों को। और कितने क्यूट है, सब बाय बाय कर रहे हैं मुझसे। अच्छा सबका नाम बताओ, नाम की तुम्हारा। अच्छा एक एक कर, हेलमेट दे। अच्छा एक एक करके नाम बताओ, पहले तुम अपना। सुमित्रा सवान। तुम्हारा नाम? मोगली सवान। तुम्हारा नाम क्या? अरे मालती सवास। तुम्हारा नाम? कमल। कमल हसन मंडी। मंडी तुम्हारा नाम? अहल्या सब्बो। तुम्हारा नाम? लिनिमय। लिली मोनी। लीन मोनी वाली सावा से भी सुंदर। तुम्हारा नाम की नाम है? बोल बोल जोरे बोल, इतना आज भी। और तुम्हारा नाम? अमिताभ बच्चन। अमिताभ मंडी। सब क्यूट क्यूट बच्चे थे यार, अभी अच्छा लगा। ओके बाय बाय, कुछ महीना बाद फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, फिर उस टाइम ज्यादा पैसा देंगे और उस दुकान में ले जाके खिलाएंगे सबको। ठीक है ठीक है, टाटा टाटा टाटा, बाय बाय। चलो भाई बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके दोस्तों। तो इसी गांव के ये लोग छोटे छोटे बच्चे थे, जो लोग यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं उन लोग से थोड़ा बहुत पैसे वैसे देते हैं, मतलब खाने वाने के लिए। ऑब्वियसली इधर कुछ मतलब साधन तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत हम ही लोग हेल्प कर देंगे तो और क्या चल जाएगा भाई।